हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। गाइस, आज मैं पहुंच चुका हूं बेल्जियम के शहर ब्रुसेल में, और ये इस वक्त मैं वेट कर रहा हूं बाहर भाई अपनी राइड का। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि भाई बारिश के साथ साथ जो है ना यहां पे बर्फ़ पड़ रही है भाई, बर्फ़ लिटरली स्नो फॉल जो कहते हैं ना, स्नो फॉल। आई एम वेरी लकी कि मुझे ये वाला मौसम देखने को मिल गया है। आई होप कि आगे ये चलता ही रहे, इस तरह का मज़ा आएगा यार घूमने फिरने का। मैं तो इन्जॉय करता हूँ स्नो वाले जो है ना, वो जो होता है मौसम, ठीक है। तो 9:30-10 बजे का कुछ टाइम है यहाँ पे, और वेट कर रहा हूँ गाड़ी वाले का। तो चलते हैं उसके बाद सीधा डायरेक्ट होटल में चेकिंग कर। तो भाई चेक करो भाई, पहुँच गए होटल में भाई। मैं थका हुआ फुल टाइम सीरियसली, और ठंड ने तो बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ तो बहुत ठंड है गाइस, बहुत ज़्यादा ही ठंड है, ठीक है। बेड़ा गर्क को जूनियर का उसने बताया ही नहीं मुझे कि भाई इतनी सर्दी है। मैं तो समझता कि पैरिस वाला सीन है यार। तो कहाँ गए, मेरा रूम कहाँ है जी भाई? 102 मेरा रूम नंबर है। चेकिंग कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट यहाँ से निकलेंगे। पेट पूजा के लिए बड़ी भूख लगी हुई है गाइस, सीरियसली। यहाँ पे हलाल हराम का जो ना बड़ा कॉन्सेप्ट है, और हलाल फूड ढूंढने हमने जाना है। अच्छा, ये हम निकल चुके हैं खाने की तलाश में जी। वो हमारा कोने वाला होटल है, ठहरे में खाना कितनी जल्दी मिलता है। वैसे यहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स काफ़ी हैं ब्रुसेल्स में, ठीक है। ये बेल्जियम का सिटी है, और सर्च किया मैंने कुछ ताजमहल के नाम से है कुछ। लेट्स सी, देखते हैं खाना कैसा है। रोड स्टेशन तो आ गया, ये नीचे बर्फ़ जमी गिरी पड़ी हुई है, देख रहे हो? ओहो, दुनिया तेरा बेड़ा अगर खोजे। अबे तूने बताया नहीं इतनी ठंड है यार। हाय हाय, लो जी हिल्टन वाला होटल चमक रहे हैं यहाँ पे। तो भाई फाइनली तुम्हारे भाई ने यहाँ से टिकट खरीद ली भाई, 8 यूरो की टिकट खरीदी इनकी माँ की गिड़गिड़ी। 8 यूरो में ये है कि पूरा दिन मैं जहाँ मर्जी जा सकता हूँ, ईच इन एवरी कोई भी स्टेशन होगा बेल्जियम का, ये वाला कार्ड वहाँ इस्तेमाल होगा, और टपाटप कहीं भी जाएँ, ठीक है। सिर्फ मेरे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास लोकेशन होनी चाहिए, वो के बहुत ही ज़बरदस्त एप्लीकेशन है। तो सिंपली गाइस सारे के सारे सिटी मैपर डाउनलोड कर लो, कोई भी अगर यूरोप की तरफ जा रहा है, लंदन पेरिस कहीं भी जा रहा है, ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो, यकीन करो यू नेवर रिग्रेट, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओ भाई, 3 दिन के बाद खाना खा रहा हूँ पाकिस्तानी, मज़ा आ गया यार, यकीन करो। शवर में खा के दिमाग ख़राब हो गया था। एनी हाउ, ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, आई रियली रिकमेंडेड। बिकॉज टाइम यहाँ तकरीबन 11 बज के कुछ टाइम हो चुका है, रोडों पर इतना रश भी नहीं है। सो लेट मी गो बैक टू माई होटल, आई विल टेक रेस्ट। कल सुबह निकलेंगे सिटी टूर के लिए, ठीक है। सो मिलते हैं सुबह। द नेक्स्ट डे। अच्छा गाइस, पूरे यूरोप का यही निज़ाम है, अंडरग्राउंड मेट्रो चलती है यार। मैं कहता हूँ पीस ऑफ माइंड है ये, काश हमारे पाकिस्तान में भी आ जाए तो क्या ही बात है। नहीं, मैं नहीं मानता। लो जी, हाँ दोबारा उसी रेस्टोरेंट पे आ रहा हूँ, और नाश्ता करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इनका जो था ना खाना अच्छा लगा मुझे यार। और आप सबको भी रिकमेंडेड यही, अगर बेल्जियम ब्रुसेल्स आओ, ब्रुसेल्स, तो यहाँ ज़रूर विज़िट करो, ज़बरदस्त खाना है इनका। हेलो, एक्सक्यूज मी मैम। हेलो, ये तो सुन ही नहीं रही भाई, डर गई मेरे से क्या। खैर, जा रहे हैं सीधा गाइस, यहाँ देखेंगे आपके सामने लेफ्ट साइड पे भी पैलेस है, राइट साइड पे बहुत बड़ा पार्क है, लेकिन मैं ये पैलेस की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि पैलेस जो है वो मेन चीज़ है देखने वाली, ठीक है। ये सिटी पैलेस के नाम से एक जो है ना बहुत बड़ी इमारत लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आ रही है, और यहाँ पे ये तो बहुत पुरानी है, इसके आगे 2-3 और भी हैं, वो देखेंगे जाके, ठीक है। वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, तो चेक इट आउट गाइस, मज़ा आ गया। दिन की वॉक करो, ऊपर से मौसम इतना ज़बरदस्त है यार, चलते हुए पता नहीं चल रहा कि मैं कितने किलोमीटर चल चुका हूँ। अच्छा, तो ये यहाँ का बाज़ार है ग्रैंड पैलेस के आसपास, देख रहे हो? तो भाई किस्म का भाई, यहाँ पे तो हैंडीक्राफ्ट चीज़ें हैं और रेस्टोरेंट्स, ईच एंड एवरीथिंग। अच्छा जी, ओके, ये जगह देखने वाली है, नाइस गैलिस रॉयल्स। तो
गाइस विंडो शॉपिंग करते करते चॉकलेट की एक शॉप नजर आई। बेसिकली बेल्जियम की चॉकलेट है वो दुनिया भर में मशहूर है और यहाँ से लोग आके मतलब कि इसकी टेक्निक सीखते हुए हैं और अपने अपने कंट्रीज में जाके इसको लगाते हैं, देन इसको सेल आउट करते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं। सो ये एक मतलब के मैं जिस मार्केट में आया हुआ हूँ ये गैलरी के नाम से जो है, तो इसके अंदर जो 90% शॉप जो है सारी चॉकलेट्स की हैं और मुझे यहाँ से ना चॉकलेट्स ही लेके जानी है और अपनी डॉटर के लिए और अपनी वज़ीर आज़म के लिए समझ रही हो ना। सो ताकि वो खुश रखने पड़ेगा भाई, वरना मैं सोलो ट्रैवल के ही नहीं कर सकता, ठीक है। सो सोलो ट्रैवल का मेरा यही मकसद है कि मैं तो वर्ल्ड टूर करूँगा और तकरीबन तुम्हारे भाई के अब तक तकरीबन कोई 16 मुल्क कंप्लीट हो चुके हैं गाइस, ठीक है, और 16-17 और डालने हमारा वर्ल्ड टूर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी, टपाटप। सो जल्दी से यहाँ से ये दिल वाली जो है ना हार्ट वाली ये उठा लेता हूँ अपनी वज़ीर आज़म के लिए और बेबी के लिए भी कुछ यहाँ से देख लेते हैं। ये यहाँ का जी ग्रैंड पैलेस है, लुक एट दिस, बड़ा ब्यूटी, हर बिल्डिंग जबरदस्त बनी हुई। ये भाई काला को बनाते तो भाई आज पूरा दिन घूम के शाम हो गई और वापस जा रहा हूँ मैं होटल पे और वो सामने मेरा होटल है बिल्कुल मेट्रो स्टेशन की डिस्टेंस वॉक पे। ये भी रिकमेंड करता हूँ सबको मैं कि ये होटल जो है बिल्कुल करीब है और जितनी भी चीज़ें आपको फ्री में यहाँ पे मिल जाएंगी, मतलब दूर नहीं जाना पड़ेगा। यूरोपा सिटी होटल, ठीक है, तो स्कूल होटल बैठे हुए। तो भाई रात को होने वाली थी तो मैंने कहा चलो बाहर ग्राउंड लगाते हैं, जब बाहर गया तो पता चला ये सारा का सारा एरिया जो है ना ये तो अच्छा एरिया नहीं है यार। तो बड़ी मुश्किल से यहाँ से जान छुड़ा के निकले हैं, शायद आपको कुछ नज़र आ जाए। वैसे तो यहाँ पे ये ममनू है, मतलब कि आप लोग वीडियो नहीं बना सकते स्ट्रीट की, वो देखो सामने क्या नज़र आ रहा है, देख रहे हो ना, तो ये सीन है यहाँ पे वीडियो नहीं बना सकते, बाकी सब कुछ कर सकते हैं। और आपका भाई ने यहाँ से ये देखो बंदे घूम रहे हैं, मुझे कुछ कह रहा था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी, मैं सीधा अपना मोबाइल मैंने जेब में डाला और मैंने दौड़ लगा दी सीधी भाई, क्योंकि ये तो बड़ा ख़तरनाक एरिया है इसे सीरियसली। लो भाई सुबह का नाश्ता करके हम अभी निकल जाना है यहाँ से, मैंने कैरोसिन लिया है साथ, कैरोसिन विद चीज़ और भी चीज़ें थी पता नहीं क्या थी। ये एक अच्छा रेस्टोरेंट है, टेस्ट तो अच्छा आ रहा है भाई इसका, ठीक है ना। तो एम्स्टर्डम निकल रहे हैं, ठीक है गाइस, ट्रेन पे जाएंगे, तो अभी टाइम है ट्रेन में, तो मैंने सोचा चलो नाश्ता वाश्ता करते हैं यहाँ से। रियली नाइस रेस्टोरेंट बेनोस, डिलीशियस भाई, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कैरोसिन को, दोबारा मुझे एक और लेना पड़ गया भाई, हल्का है लाइट है लेकिन अच्छा था, वेरी गुड। अभी ट्रेन में काफ़ी टाइम है तो चिल करेंगे एंड देन ट्रेन लेके जा रहा है एम्स्टर्डम जा रहा है गाइस, एम्स्टर्डम। सो देखते हैं भाई क्या बनने वाला है आज, यहाँ का मौसम जो है ना काफ़ी ठीक है, मतलब ठंड वगैरह इतनी नहीं है और बर्फ़ भी नहीं पड़ रही। यहाँ से जाएंगे हब स्टेशन से फिर बड़ी मतलब जो हीरो स्टार की ट्रेन है वो लेके एम्स्टर्डम जाएंगे, ठीक है। तो भाई यहाँ पे वेट कर रहा हूँ मैं एम्स्टर्डम, जो ट्रेन से हमने जाना है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट फ्लाई हुआ है, राइड है यहाँ से। और ये यूरोस्टार की जो ट्रेन है भाई मज़ेदार है और कंपेटिबल भी है और प्राइसेस भी काफ़ी अच्छे हैं इसके, सो यू मस्ट चेक इट व्हेनेवर यू कम टू बेल्जियम। सो गाइस फाइनली मेरा बेल्जियम का सफ़र कंप्लीट हुआ टूर, और आई होप को ये सिटी आपको पसंद आया होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दे देना। और इस वक्त मैं निकल रहा हूँ यहाँ से एम्स्टर्डम, जो कि 2.5 घंटे का सफ़र है, और आगे जाके मिलते हैं एम्स्टर्डम में, बहुत मज़ा आने वाला गाइस, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्जॉयमेंट के लिए। सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।